बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट की हुई थी। सवाल नंबर फोर्थ, इफ़ ओ 0 0, ए मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है 3 0 एंड बी आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 3 5, आर थ्री पॉइंट्स इन द प्लेन। आपने क्या फाइंड करना है, M1 एंड M2 हैज़ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड मॉड ऑफ M1 M2। एक आपके पास लाइन सेगमेंट ओ ए और ये बी, ये तीन पॉइंट्स हैं। M1 और M2 आपके पास मिड पॉइंट है, ओ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और सी बी आपने दिया हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट निकालने आपने ए बी के, X1 प्लस X2 ओवर 2, Y1 प्लस Y2 ओवर 2, M1 निकालेंगे आप। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, M1, 3 प्लस 3 ओवर 2, 0 प्लस 5 ओवर 2, ये आपके पास आएगा 6 ओवर 2 और 5 ओवर 2, 2 वन ज़ार 2 थ्री ज़ार, M1 के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 3 और 5 ओवर 2। अब आपने मिड पॉइंट ऑफ ओ बी निकालना है, ओ बी आपने निकालना है सबसे पहले इज M2। ये फार्मूला आपके पास होता है X1 प्लस X2 ओवर 2, Y1 प्लस Y ओवर 2, Y2 ओवर 2, ये आपने पॉइंट्स पुट कर दिए, ये आपके पास बनेगा M2। अब आपने M1 और M2 का निकालना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, X1 Y1 X2 Y2, X2 की वैल्यू, X1 की वैल्यू, Y2 की वैल्यू और Y1 की वैल्यू आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। 3 माइनस 6 ओवर 2 का होल स्केयर, ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 3 जाए, माइनस 3 बाय 2 का होल स्केयर, नेगेटिव आपका ख़त्म हो जाएगा और स्क्वेयर स्क्वेयर से कट जाएगा और 3 बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा।